हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं। बहुत दिन हो गए थे वीडियोस बनाए, तो इस बारे में एक्सेस के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तो एक्सेस क्या होता है? एक्सेस बेसिकली आपका डेटाबेसिस को मैनेज करता है। डेटाबेसिस बेसिकली जिसमें आप डेटा डालते हो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, इनके जैसे एम्प्लॉयज़ डेटा हो गया, सैलरी डेटा हो गया, या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का पेशेंट डेटा हो गया, इन सब में डेटाज होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब भी हमें कोई डेटा रिट्रीव करना होता है, सपोज हमें फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा हमें निकालना है कि जिस जिसका नाम एम से शुरू होता है, तो वो एक्सेल में करना आसान नहीं है या किसी और टूल में करना आसान नहीं है। ये एक्सेस बहुत ईजिली हमारा क्वेरीज के थ्रू हमारा डेटा रिट्रीव कर देता है। तो इस वीडियोस में बेसिकली अभी हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे कि हम कैसे टेबल बनाते हैं, और आगे वाली वीडियोस में हम क्वेरीज के बारे में सीखेंगे। तो सपोज जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी एक एबीसी कंपनी है और आपको अपना एम्प्लॉयज डेटा और सैलरी डेटा के लिए टेबल डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? आप अपना पहले एक्सेस खोलिए, स्टार्ट मेन्यू। मेरा 13 वर्जन है, बट 10 में भी और 7 में भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो आपको इसके इस वीडियो के थ्रू भी उसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अपना एक्सेस ओपन किया आपने, तो आप अपना ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस चूज करिए। यहां से अब देखो ये सी ड्राइव में आ रहा है, बट हम यूजुअली सी ड्राइव में सेव नहीं करते, क्योंकि जब भी कुछ भी अगर गड़बड़ होती है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो सबसे पहले सी ड्राइव खराब होती है। तो इसलिए बेटर है आप इसको डी ड्राइव में सेव करिए, ई ड्राइव में सेव करिए। तो आप इसको नॉर्मली जाके डी ड्राइव, यहाँ पे आप कर सकते हो एबीसी एम्प्लॉय। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे अपना डेटाबेस सेव कर लीजिए। ओके, फिर क्रिएट। ठीक है, तो आपका ऐसे एक्सेस खुलेगा, बहुत ईजी है। इसमें जैसे फील्ड्स हैं आपकी, सारी एक्सेल जैसी हैं कि होम टैब पे ये आपके फंक्शंस आते हैं, क्रिएट पे ये आते हैं एक्सटर्नल डेटा, ये धीरे धीरे हम सारा सीखेंगे। तो अभी हमें टेबल्स बनाने हैं, इसलिए हम क्रिएट पे जाएंगे। टेबल है हमारा, और बाय डिफॉल्ट भी जब भी एक्सेस ओपन आता है आपका एक टेबल वैसे ही आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी टेबल है। ये आपका ऑप्शन होता है सेव करने का, जो कि टेबल्स को करना होता है। एक्सेस हमने ऑलरेडी सेव कर दिया, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इसका नेम पूछेगा। तो हमारा नेम क्या है? पहला एम्प्लॉय डेटा, तो दिस इज एम्प्लॉय डेटा। ओके, अब ये जो हमारा व्यू है, ये है, आप होम पे जाके देखना, ये हमारा व्यू है डेटा शीट व्यू, जिसमें हम एंटर करेंगे। बट हमें डिजाइन करना है, क्योंकि हमारे डिफरेंट कॉलम्स हैं, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो हम पहले इसको डिजाइन करेंगे, फिर हम डेटा शीट में एंट्री करेंगे। तो आप यहाँ व्यू पे नीचे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका डिजाइन व्यू आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए, अभी आपका डिजाइन व्यू है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ई कोड, ई कोड, शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि ये यूनिक कोड है और उसमें सिर्फ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। आप देखोगे एम्प्लॉय में भी ई कोड है, सैलरी वाले में भी ई कोड है। ये दोनों का फंक्शन आपको तब यूज आएगा जब हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि एक्सेस का फंक्शन क्या होता है? वो रिलेशनशिप्स के थ्रू डेटा रिट्रीव करता है। तो वो ये बता रहा है कि एम्प्लॉय डेटा में जो ई कोड है वही सैलरी डेटा में ई कोड है। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है एम्प्लॉय की, जहां पे भी जो भी टेबल बनेगा वहां पे ई कोड जो है वो सेम ही रहेगा। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखना कि जो भी ई कोड होगा उसके आप कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स फिक्स कर दो, जिससे कि सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी और डेटा रिट्रीव करने में आसानी रहेगी। तो सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका यूनिक कोड सिर्फ 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो आपने शॉर्ट टेक्स्ट किया। और अगर आपके में ऑप्शन शॉर्ट टेक्स्ट नहीं आ रहा है तो आप टेक्स्ट चूज कर लीजिए और यहां पर जाकर फील्ड साइज को कर दीजिए 6। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपकी ऑप्शनल होती है, आपको अगर लगे तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम, तो दैट इज ई नेम, ये भी आपका शॉर्ट टेक्स्ट है। सपोज हम रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि खाली 15 कैरेक्टर्स का नेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस, सपोज ये भी शॉर्ट टेक्स्ट है क्योंकि टेक्स्ट है, इसमें हम कोई लिमिट नहीं डाल रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉई डेट ऑफ बर्थ. अब डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें डेट आएगी, इसलिए आप अपना डेटा टाइप डेट एंड टाइम चूज कर लीजिए और फॉर्मेट आप इसमें से डेट्स का चूज कर सकते हैं. तो सपोज मैं मीडियम डेट चूज कर रही हूँ. ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट है, हमें इतनी ही फील्ड्स चाहिए. तो अब ये कंप्लीट हो गया हमारी डिजाइनिंग. तो अब हम व्यू पे जाएंगे और करेंगे डेटा शीट व्यू. ठीक है, इसको सेव करेंगे. अब देखिए हमारा डेटा शीट का व्यू आ गया. सिंपल है. अब सपोज हमारी हम ई कोड रख रहे हैं 100, तो अब आप इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं. ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेट कैलेंडर आ गया, जिससे आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी टाइप भी कर सकते हैं. सिंपल. अब ऐसे करके आप चाहे जितनी भी एंट्रीज डाल सकते हो. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे, सैलरी डेटा. अभी हमें क्रिएट करना है, इसलिए आप क्रिएट टैब पे जाओगे. टेबल, टेबल आ गया आपका. इसको सिलेक्ट करके फिर से सेव करिए और यहाँ पे करिए एम्प्लॉई सैलरी. ठीक है, आपने नेम दे दिया अपने टेबल को. अब ये फिर से हमारा डिजाइन व्यू में है, सॉरी डेटा शीट व्यू में है. हमें जाके इसको डिजाइन करना है पहले. तो डिजाइन में पहली क्या है हमारी, सेम ई कोड, क्योंकि ये यूनिक है. ई कोड हो गया हमारा, ये हमारा सेम. अब हम बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज रखेंगे, अदरवाइज रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगा. इसलिए हमें इसमें भी बताना पड़ेगा कि इसकी फील्ड साइज सिर्फ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि जब तक सेम नहीं होगा आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि दोनों टेबल में ये चीज यूनिक है. ठीक है, इसलिए ये 6 कैरेक्टर्स का हो गया. नेक्स्ट है आपका मंथ ऑफ सैलरी. अब यहां पे आपको चूज करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक. तो चूज जहां पे भी करना होता है वहां पे आप इसको, सपोज आप इसको नॉर्मल शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लीजिए. लेकिन अब आपको जनरल प्रॉपर्टीज ना यूज करके आपको लुकअप वैल्यू पे जाना है, क्योंकि अब हम एक लिस्ट बना रहे हैं. लिस्ट के लिए यहां पे जाएंगे आप टेक्स्ट बॉक्स से, कर लीजिए लिस्ट बॉक्स. यहां से आप सिलेक्ट करके लिख दीजिए वैल्यू लिस्ट, क्योंकि हमारी वैल्यूज हैं. और रो सोर्स में अब आप पूरा टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1 जनवरी, फिर सब आपकी सेपरेट लाइंस में होना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल है. आप चाहें तो इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं. डिफॉल्ट वैल्यू दोगे तो वो डायरेक्टली आपकी पहले से ही वैल्यू डली हुई आ जाएगी. ओके, ये अब आपकी लिस्ट तैयार हो गई है. नेक्स्ट है आपका ईयर ऑफ सैलरी. अब इसमें भी आपको ऑप्शंस देने हैं, तो आप लुकअप वैल्यू में जाके सिमिलरली लिस्ट बॉक्स, उसके बाद वैल्यू लिस्ट, और उसके बाद आप इसको रो सोर्स में जाकर ईयर्स दे सकते हैं. तो ईयर्स हमारे 2012 ऑनवर्ड्स हैं, तो आप इसको यहाँ पे मैनुअली सारे डाल सकते हैं. ठीक है, सपोज हमारे यहां तक है. ओके, ठीक है. इसके बाद है आपकी बेसिक पे. यहाँ पे आपका नॉर्मल आपको चाहिए कि आपका यहाँ पे नंबर होना चाहिए. ठीक है, सपोज आपकी कोई कंडीशन है कि आपकी बेसिक सैलरी 50,000 से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप वैलिडेशन रूल में कर सकते हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू 50,000. मतलब आप एक रूल लगा रहे हो कि बेसिक सैलरी हमेशा आपकी 50,000 से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं. और अगर नहीं, अगर ऐसा गलत होता है तो आपका टेक्स्ट आएगा नॉट परमिटेड, कि अगर आप ज्यादा डालोगे तो आपका डायरेक्टली टेक्स्ट आ जाएगा नॉट परमिटेड. ठीक है, तो अब सपोज हमारा ये बन गया है, तो डिजाइन से अब हम डेटा शीट व्यू में जाएंगे, इसको सेव करके. सपोज आपका एम्प्लॉय कोड 100 ही है. मंथ देखिए, अब आपके पास लिस्ट आ गई, आप मार्च चूज कर सकते हैं. उसके बाद ईयर आप सपोज 14 का डाल रहे हैं, और बेसिक पे अब यहाँ पे आप 20,000 डाल रहे हैं. अब इसने एक्सेप्ट कर लिया. अब सपोज हम 60,000 डालकर देखते हैं. अब देखिए नॉट परमिटेड आ गया. तो बहुत सिंपल है आपका टेबल्स क्रिएट करना.
अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, फिर मैं आपकी और वीडियोस बना के उनको क्लियर करूँगी।